हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टेंथ ऑफ एन एथमेटिक प्रोग्रेशन 9, 5, 3, -3। दैट मींस एक एथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसमें टेंथ टर्म क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, 9। दैट मींस ए का वैल्यू कितना गिवन है, 9। एन का वैल्यू कितना बोले, 10 टर्म। दैट मींस एन का वैल्यू कितना हो गया, 10। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, a2 - a1। तो a2 का वैल्यू कितना है, 5। a1 का कितना है, 9। कितना आ गया, -4। तो डी का वैल्यू भी कितना आ गया, -4 आ गया। ओके, अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, an = a+(n-1)(d), राइट। तो an का वैल्यू तो 10 है, a का वैल्यू कितना है, 9, प्लस n का वैल्यू 10 - 1, d का वैल्यू -4। 9 + 10 में से 1 गया तो 9, 9 × -4, 9 × -4, 36। तो 36 प्लस माइनस माइनस, तो -36। 36 में से 9 गया तो -27। तो टेंथ टर्म क्या होगा, टेंथ टर्म -27 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 40 टर्म ऑफ एपी 170, 40। आपको ऐसे फाइंड करना है कि इस टर्म कंटिन्यू आगे जाएगा तो 40 टर्म क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। ओके, दैट मीन्स ए का वैल्यू क्या हो गया, फर्स्ट टर्म जो होगा वो ए का वैल्यू है 100। ओके, अब है एन का वैल्यू कितना गिवन है, ये 40 गिवन है। हमें डी चाहिए, डी के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी के लिए करेंगे 70 - 100 इक्वल टू क्या हो गया, -30। दैट मीन्स डी का वैल्यू कितना हो गया, -30 आ गया। फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है फॉर्मूला, an = a+(n-1)(d). ओके, एन का वैल्यू कितना है, 40, इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, 100। ओके, प्लस एन का वैल्यू 40 - 1 - -30। 100 + 40 में से 1 गया तो 39 - 30। 100 + दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस क्या जाएगा, माइनस। मल्टीप्लाई करोगे 3 0 का 0, 3 9 27 का 7 2 9 2 11। ओके, 1170 में से 100 माइनस करोगे, 1070 इसमें आ जाएगा माइनस में। तो 40 टर्म कितना होगा, ये 40 टर्म हो जाएगा -1070। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म ऑफ ap 1/9, 4/9, 7/9। ओके, तो इसमें हमें nth टर्म फाइंड करना है कि nth टर्म कितना होगा। ओके, दैट मींस a का वैल्यू क्या गिवन है, ए का वैल्यू क्या गिवन है, 1/9। ओके, एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू तो एन टर्म है तो एन की जगह पर एन ही रखना है। ओके, अब हमें डी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डी। डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी के लिए 4/9 - 1/9। तो 9 9 आ गया, एलसीएम 4 में से 1 गया तो 3/9। 3 का टेबल 1 टाइम, 3 का टेबल 3 टाइम, दैट मीन्स 1/3। दैट मीन्स डी का वैल्यू कितना आ गया, 1/3 आ गया। ओके, अब हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, an = a+(n-1)(d). an इसके जगह तो एन ही रहना है क्योंकि एम टर्म फाइंड करना है। a का वैल्यू कितना है, 1/9, प्लस n का वैल्यू को n रखना है, -1। d का वैल्यू क्या है, 1/3। अब क्या करना है, ये 1/3 को इसके साथ भी एक बार मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी एक बार मल्टीप्लाई करना है।
तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 1/9 प्लस ये हो जाएगा n से 1 का मल्टीप्लाई n आ जाएगा नीचे 3, ओके 1 1 1 माइनस 1/3, ओके। अब क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है, तो 9 3 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 9, ओके 9 से 9 कितना टाइम डिवीजन होगा 1 टाइम, 1 1 1 प्लस 3 से कितना टाइम डिवीजन होगा 9 3 टाइम, तो क्या आ जाएगा 3n माइनस 3 से कितना टाइम डिवीजन होगा 3 टाइम, 3 1 3, 3 में से 1 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा ये 3n माइनस 3 में से 1 गया तो माइनस 2 अपॉन 9, तो ये क्या होगा n एंटम क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3n माइनस 2 अपॉन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द mth टर्म ऑफ एपी 950, 900, 850, ओके ऐसे आगे बढ़ते गए हम, राइट। तो इसमें हमें mth टर्म फाइंड करना है, तो a का वैल्यू क्या है, ये फर्स्ट टर्म a का वैल्यू है, तो a का वैल्यू आ गया 950, n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू mth टर्म बोले तो यहाँ पर n के जगह पर क्या लिखना है, m लिखना है, और क्या चाहिए हमें d चाहिए, d के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d के लिए क्या करेंगे 900 माइनस 950, तो कितना आ गया, ये आ गया माइनस 50, दैट मीन्स d का वैल्यू कितना है माइनस 50 है, ओके। अब क्या लगाना है फॉर्मूला, ए एम इक्वल टू ए प्लस एन एम माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू 950 प्लस एम का वैल्यू m है माइनस 1, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है माइनस 50, इसके साथ भी एक बार मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी एक बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया 950 प्लस माइनस, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां लगाएंगे माइनस 50m, ओके माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 50, तो ये दोनों टर्म क्या है प्लस में है, 950 एंड 50 कितना हो गया 1000 माइनस 50m, तो ये आ गया m टर्म, m का वैल्यू जो भी होगा इसमें रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट टर्म ऑफ द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 8 15 22 इज 218, दैट मीन्स इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो लास्ट वाला टर्म होगा वो कितना होगा 218 होगा, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना ये हम फाइंड करना है, तो फर्स्ट टर्म जो है 8 है, दैट मीन्स a का वैल्यू क्या है 8 है, राइट right. उसके बाद n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू पता नहीं फाइंड करना है, लास्ट टर्म ये n का वैल्यू कितना गिवन है, ये दिया हुआ है ये 218, ओके कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d के लिए क्या करेंगे 15 माइनस 8 इक्वल टू कितना आ गया 7, तो d का वैल्यू क्या आ गया 7, ओके। फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, लास्ट टर्म कितना गिवन है 218, ये कितना है 8 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी का वैल्यू है 7 है, ओके। अब देखो अगर मैं इस 8 को ट्रांसफर कर दूं तो प्लस है माइनस हो जाएगा, तो 2 on 8 माइनस क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ठीक। अब ये 7 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसफर कर दूंगा तो किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या बचेगा n माइनस 1, तो 280 में से 8 गया तो 210 अपॉन 7 इक्वल टू n माइनस 1, 7 के बाद कितना टाइम 30 टाइम, तो आ गया 30 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 को ट्रांसफर कर देने से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स n इक्वल टू 30 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 31, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n का वैल्यू कितना आ रहा है 31 आ रहा है, 31 नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टर्म इज जीरो ऑफ एन एपी 27, 24, 21, मतलब ये कंटिन्यू एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आगे बढ़ेगा तो कौन सा टर्म लास्ट में जाके जीरो होगा,
तो जीरो लास्ट वाला टर्म जीरो होने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितना ये हमें फाइंड करना है। ओके दैट मीन्स लास्ट में कितना हो रहा है जीरो, तो ये हमारे पास ए एन का वैल्यू कितना आ रहा है जीरो राइट। ए का वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म कितना है ये 27 है, कॉमन डिफरेंस निकालना है दोनों के बीच में, तो ये डी इक्वल टू क्या है 24 माइनस 27 इक्वल टू माइनस 3, तो ये डी का वैल्यू क्या आ गया माइनस 3 आ गया। तो हमें एन का वैल्यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें एन का वैल्यू फाइंड करना है। ओके तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का लास्ट टर्म तो जीरो हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 27 प्लस एन का वैल्यू पता नहीं है तो एन माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है माइनस 3। ओके अब क्या करते हैं 27 को ट्रांसफर कर देते हैं, 27 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 27 आ जाएगा राइट। अब ये माइनस 3 है ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का टेबल कितना टाइम 9 टाइम, दैट मीन्स 9 इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो एन इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट मीन्स एन इक्वल टू 10, तो एन का वैल्यू कितना आ गया 10। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन फर्स्ट रो, 21 रोज प्लांट इन सेकेंड रो, 19 रोज प्लांट इन थर्ड रो एंड सो ऑन, देयर आर 5 रोज प्लांट इन लास्ट रो, हाउ मेनी रोज इन द फ्लावर बेड, हाउ मेनी रो दैट मीन्स नंबर ऑफ रो हमें फाइंड करना है। तो क्या पूछा है फर्स्ट रो में कितना है 23, सेकेंड में 21, थर्ड में 19, आगे गया लास्ट में कितना गया 5। तो हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ रोज है कितना, कितने रो है इसमें टोटल। ओके तो यहां पर फर्स्ट नंबर है 23 दैट मीन्स ए का वैल्यू आ गया 23। ओके लास्ट नंबर क्या है 5, तो इसका मतलब ए एन का वैल्यू आ गया 5। ओके हमें एन का वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है, डी का वैल्यू हमें निकालना है सेकेंड एस 23 कितना आ गया माइनस 2, तो ये आ गया माइनस 2 राइट। फॉर्मूला क्या है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, लास्ट टर्म 5, ए का वैल्यू 23 प्लस एन कितना है पता नहीं, डी कितना है कॉमन डिफरेंस माइनस 2, ट्रांसफर कर देंगे 23 को तो 5 माइनस 23 आ जाएगा इक्वल टू, ये माइनस 22 मल्टीप्लाई में है तो किसमें चला गया ये डिवाइड में। ओके एन माइनस 1 तो 23 में से 5 गया तो कितना माइनस 18 अपॉन 2 माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 का टेबल 9 टाइम, तो कितना आ गया 9 इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 को ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा दैट मीन्स 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, तो कितने रो है टोटल 10। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय सेव आर एस 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर देन इंक्रीज हिज वीकली सेविंग आर एस 1.75 रुपीज, इफ इन द nth वीक हिज वीकली सेविंग वॉज 20.75 फाइंड द एंड टेबल। क्या बोले हैं कि संजय ने किसी बैंक में या फिर कई बार उसने 5 रुपीज पहले एक वीक में जमा किया, उसके बाद सेकेंड वीक से क्या किया 1.75 इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स ये 5 में कितना इंक्रीज हो गया 1.75, तो ऐसे करके कंटिन्यू हर वीक में 1.75 करके इंक्रीज करता गया, तो उसको लास्ट में कितना जमा हो उसके पास टोटल 20.75 रुपीज हो गया। तो कितना टाइम एन का वैल्यू कितना टाइम जमा किया इतना होने में हमें एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देखो, क्वेश्चन में ए का वैल्यू फर्स्ट वाला वैल्यू गिवन है 5, डी का वैल्यू कितना इंक्रीज करते गया वही तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा दैट मीन्स 1.75 ये कॉमन डिफरेंस हो गया,
लास्ट टर्म 20.75, दैट मींस ये एन का वैल्यू कितना है 20.75। हमें क्या फाइंड करना है, एन का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, अब क्या करते हैं, हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन दिया 20.75 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस एन का वैल्यू पता नहीं है एन माइनस वन, डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू दिया है 1.75। 5 को ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 20.75 माइनस 5 इक्वल टू, देखो मल्टीप्लाई में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1.75 कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ क्या बचा है एन माइनस वन, 20.75 में से 5 गया तो कितना बचा, ये 15.75, नीचे कितना बच गया 1.75 इक्वल टू एन माइनस वन। ओके, इसके भी टू डिजिट के बाद डेसिमल है, यहां पर भी टू डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल को गायब कर देते हैं। ओके, अब 1.75 में कितना टाइम जाएगा, ओके आप चाहो तो 5 से या 25 से भी डिवाइड कर सकते हो, अगर हम 25 से कर दें तो 25 का टेबल कितना टाइम जाए, 25 का टेबल जा रहा है 7 टाइम, 25 का टेबल 1.57 में कितना टाइम जा रहा है 6 टाइम, फिर आ रहा है 75 कितना जा रहा है 3। ओके, फिर 7 का टाइम कितना टाइम जाएगा 63 में 9 टाइम, इसका मतलब 9 इक्वल टू एन माइनस वन, माइनस वन ट्रांसफर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज -47 अ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 18, 15, 1/2, 13 एंड सो ऑन, इफ यस देन विच टर्म, दैट मींस क्या पूछा है, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 18, 15, 1/2, 13 एंड सो ऑन, इसमें क्या -47 इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई टर्म है, अगर टर्म है तो कितना नंबर ऑफ टर्म, दैट मीन्स -47 अगर टर्म है तो कौन से नंबर ऑफ टर्म है। ओके, तो देखते हैं, हम इसको लास्ट में लिख देते हैं कि यहाँ 40 नंबर ऑफ टर्म है, तो हमें एन का वैल्यू फाइंड करना है कि कितने नंबर में है। ओके, तो ए का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू कितना गिवन है, तो 18 है। ओके, लास्ट टर्म ए एन कितना है -47, डी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, डी के लिए क्या करेंगे हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये डी के लिए क्या करेंगे हम सेकेंड टर्म, ये आ गया 15, 1/2 माइनस 18, तो 15 तो 13 प्लस 1, 31/2 माइनस 18, कुछ नहीं तो नीचे 1 कर लेते हैं, 2 एंड 1 का एलसीएम 2 आ गया, तो 31 माइनस 1 2 टाइम 2 36, 36 में से 31 गया तो -5/2, दैट मीन्स डी का वैल्यू कितना आ गया -5/2 आ गया। ओके, तो डी का वैल्यू आ गया, अब हम क्या करेंगे इसमें फाइंड करेंगे कि कौन से नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ओके, दैट मीन्स ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लास्ट टर्म -47 इक्वल टू ए का वैल्यू है 18 प्लस एन का वैल्यू पता नहीं है, ओके डी का वैल्यू क्या है -5/2 है। अब 18 को ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, -47 - 18, ओके इक्वल टू कितना आ रहा है एन माइनस वन इंटू -5/2। ओके, अब देखो ये -5/2 है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 5 नीचे आ जाएगा, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये -5 को नीचे ले लेता हूं और ऊपर में क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में 2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और साइन क्या लगेगा माइनस का, तो 47 और 18 कितना हो गया, ये हो गया -65 इंटू 2 अपॉन -5 इक्वल टू एन माइनस वन, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा 65 एंड 2, यह आ जाएगा -130 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 का टेबल 13 में कितना टाइम 2 टाइम,
थ्री जीरो देन कितना टाइम सिक्स टाइम तो कितना आ रहा है 26 इक्वल टू एन माइनस वन माइनस वन को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो एन का वैल्यू कितना आ गया 27 तो 27 नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा माइनस 47 आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। क्या बोल रहे हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टोटल नंबर ऑफ कितना है 31 दैट मींस से 1 है ऐसे करते करते कितना है 11 राइट फिर से कितना है ये 16 और लास्ट में कितना चला गया 31 तो 31 टर्म कितना में वो फाइंड करना है बट 11 वाले टर्म कितना दिया है तो ये 11 का वैल्यू कितना दिया है 38 गिवन है और 16 दैट मींस ये 16 इक्वल टू कितना दिया है ये 73 गिवन है। ओके हमें लास्ट वाला टर्म फाइंड करना है कि यहां पर कितना होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना ये हम फाइंड करना है तो इसके लिए हम एक इक्वेशन बना लेते हैं पहले तो यहां पर ये लास्ट टर्म जब गिवन है फॉर्मूला क्या है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये फॉर्मूला है। अब देखो यहां पर 11 है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स एन का वैल्यू क्या है यहां पर 11 है और यहां पर एन का वैल्यू कितना है 16 है ठीक है और लास्ट में जब करेंगे तो यहां पर एन का वैल्यू कितना है 31 है ठीक है तो देखो इस फॉर्मूले में रखते हैं तो लास्ट वाला वैल्यू दिया है ये 38 ओके ए का वैल्यू कितना है हमें पता नहीं है एन का वैल्यू क्या रखेंगे हम 11 रखेंगे माइनस वन बी का भी पता नहीं है तो ऐसे रखते हैं तो 11 में से 1 गया तो 10 तो 10 डी दैट मीन्स 38 इक्वल टू ए प्लस 10 डी इसको हम क्या लेते हैं 1 इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे इसके लिए बनाएंगे ठीक है इसके लिए ये जो ए एन है तो एन के जगह पर हम क्या लिखते हैं यहां पर यहां लिख लेते हैं ये 16 वाले का तो 16 वाले के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका वैल्यू कितना है 73 तो 73 लिखते हैं ये 73 ए का वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो ए का वैल्यू ए एज इट इज प्लस एन का वैल्यू कितना आएगा 16 तो 16 में से 1 गया तो 15 दैट मीन्स 15 डी तो ये आ जाएगा 15 डी इक्वेशन कितना आ गया 2। ओके अब क्या करेंगे हम इक्वेशन 2 में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ओके टू में क्या करेंगे फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2 तो 2 में क्या करते हैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आ जाएगा 73 इक्वल टू ए प्लस 15 डी और इसका कितना है 38 इक्वल टू ए प्लस 10 डी। अब क्या कर देते हैं हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो देखो ए प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गया 73 में से कितना गया 38 तो कितना बचा यहां पर 35 इक्वल टू 15 में से 10 गया तो कितना बच गया 5d ट्रांसफर कर देंगे तो ये 35 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू डी कितना 10 कटा 7 दैट मीन्स डी का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। ओके अब डी का वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमें ए का वैल्यू आ जाएगा तो वन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वन इक्वेशन फर्स्ट तो हम क्या करते हैं फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे तो 38 इक्वल टू ए का वैल्यू फाइंड करना है प्लस 10 इंटू 7 तो कितना हो गया 10 एंड 7 10 से 70 तो 70 को ट्रांसफर कर देंगे तो 38 माइनस 70 इक्वल टू ए तो कितना आ जाएगा माइनस में कितना आ जाएगा ए का वैल्यू आ जाएगा ये 32 माइनस में क्या है ये ए का वैल्यू है तो हमारे पास ए का वैल्यू भी आ गया एंड डी का वैल्यू भी आ गया। ओके ए का वैल्यू भी आ गया डी का वैल्यू भी आ गया हम निकाल सकते हैं 31st टर्म कितना होगा फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी एन का वैल्यू कितना है 31 है दैट मीन्स ये कितना 31 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना आया माइनस 32 प्लस एन का वैल्यू कितना है 31 माइनस 1 डी का वैल्यू कितना है 7 है
तो ये आ जाएगा माइनस 32, ये आ जाएगा 31 में से 1 किया तो 37 का कितना आ जाएगा, 37 का 210, ओके 210 में से 32 सब्ट्रैक्ट करना से कितना आएगा, 210 में से 32 माइनस कर दो तो 178 आ जाएगा। दैट मीन्स 31st टर्म कितना आ जाएगा, 178 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या फाइंड करना है, m टर्म फाइंड करना है, हुज 12th टर्म इज एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 14। दैट मीन्स 12th टर्म 5th टर्म से कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, ओके एंड द सम ऑफ बोथ इज 36। और अगर दोनों को हम क्या करें, ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ओके तो देखो दैट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट कंडीशन में चले, फर्स्ट कंडीशन में अगर हम चले तो क्या बोले हैं कि 12th टर्म है और ये 5th टर्म इक्वल कब होगा, जब इसमें कितना प्लस कर देंगे, 14। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए एन के जगह पर 12 और यहां पर ए एन के जगह पर 5 प्लस 14, ओके क्योंकि ये तो एन का वैल्यू बता रहे हैं, ओके तो एन का वैल्यू का फॉर्मूला अगर आप देखोगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पर तो एन का वैल्यू बता रहे हैं, ओके तो हम क्या करते हैं, इसके जगह पर इस वाला वैल्यू को लिख सकते हैं, दोनों का तो इक्वल होगा। तो अगर यहां पर हम इस वैल्यू को पुट करें इसके जगह, तो देखो ये ए आ जाएगा प्लस एन का वैल्यू कितना है, 12 में से 1 जाएगा तो 11, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 11 डी आ जाएगा। यहां पर आ जाओ, ए की जगह तो ये ही आएगा प्लस एन की जगह आएगा 5 में से 1 गया तो 4, दैट मीन्स 14 कितना है, 4d प्लस कितना आ गया, 14, ओके ओके। अब देखो सेम है, ए और ए सेम कैंसिल आउट हो गया, 4d 11d, 4 को ट्रांसफर कर दो तो 11d में से 4d क्या हो गया, माइनस, तो कितना बचेगा, 11 में से 4 गया तो 7d इक्वल टू 14, ओके 7 को ट्रांसफर करोगे तो ये डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 डिवाइड बाई 7, दैट मीन्स डी का वैल्यू कितना आ गया, 2, तो ये डी का वैल्यू आ गया 2, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया, ओके अब देखो सेकेंड कंडीशन में क्या बोले हैं, सेकेंड कंडीशन में दोनों को प्लस करने से कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, तब दोनों को अगर हम प्लस करें तो कितना आएगा, 36, ओके तो कौन कौन सा टर्म को प्लस करना है, हमें 12th टर्म प्लस 5th टर्म को प्लस करने से कितना आ जाएगा, 36। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी वे में लिखना है, 12th टर्म के लिए क्या आ जाएगा, ये 12th टर्म का जो वैल्यू ये वाला आना है पूरा, दैट मीन्स 12th टर्म के लिए क्या आ जाएगा, ए प्लस 11d प्लस 5th टर्म के लिए कौन सा वैल्यू, सर इतना वाला वैल्यू है, ऐड नहीं करना है इसको, बस ये वाला वैल्यू, तो ये क्या है, ए प्लस 4d इक्वल टू कितना है, 36 हो गया, 2a प्लस 11d एंड 4d कितना हो गया, 15d इक्वल टू कितना आ गया, 36 कितना आ गया, 36 राइट। अब देखो d का वैल्यू आपको कितना पता है, 2 है, वन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 वन इक्वेशन, अगर इक्वेशन कंसीडर करोगे तो d का वैल्यू पुट करोगे तो 2a प्लस 15 × 2 इक्वल टू 36, तो 15 × 2 जा कितना आ गया, 30, तो 2a प्लस 30 इक्वल टू 36, इसको ट्रांसफर कर दो तो एक 2a इक्वल टू 36 माइनस 30, 36 में 30 माइनस कर दो कितना आ गया, 6, तो 2a इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में, तो कितना टाइम कटेगा, 3 टाइम, a का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ओके बी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया। अब आप निकाल सकते हो कि mth टर्म कितना होगा, तो आपके पास a का वैल्यू है 3, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 2, n का वैल्यू की जगह क्या लिखना है आपको, m लिखना है, n के जगह पर m,
फॉर्मूला में रखो, क्या फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले में, तो ए इसके जगह पर एन रखना है, एम रखना है, एन के जगह पर एम इक्वल टू ए का वैल्यू कितना आ रहा है 3 प्लस एन का वैल्यू के जगह एम माइनस वन डी का वैल्यू कितना है 2 है, ओके 3 प्लस मल्टीप्लाई इससे भी होगा इसके साथ, यानी 2 के 1 के साथ भी होगा 2 का एम के साथ भी, तो हो जाएगा 2m माइनस 2, ओके इस 2m प्लस 1 ये क्या आ रहा है mth टर्म, ओके जो mth टर्म है वो 2m प्लस 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27, 19 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्या बोले हैं कि 54th टर्म में से और अगर आप 32 को प्लस करोगे, 54th टर्म प्लस 132, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका जो 54 टर्म चलेगा उसके बाद इसमें अगर 132 प्लस करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ टर्म कितना ये हमें फाइंड करना है। तो गिवन क्या है, देखो फर्स्ट वाला टर्म जो है वो ए का वैल्यू है तो 3 है, कॉमन डिफरेंस बी का वैल्यू निकालने के लिए 15 माइनस 3 कितना आ गया, ये आ गया 12, दैट मींस डी का वैल्यू भी आ गया 12, राइट ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, एन नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है, ओके तो अगर क्या चलेंगे हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, इसमें क्या बोले ए एन इक्वल टू कितना होगा, अगर हम 50 या 55 करके ए का वैल्यू कितना लिखेंगे यहाँ पर 54th टर्म, और इसमें कितना प्लस करेंगे 132, ओके तो हमें यहां पर n का वैल्यू फाइंड करना है। तो 54 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखो अगर 54 के लिए हम करें तो यहां पर n का वैल्यू कितना है 54, n का वैल्यू कितना है 54 है, a का वैल्यू तो गिवन है, d का वैल्यू गिवन है, तो इसके लिए अगर हम करें a 54 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले में यहां पर रखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, a का वैल्यू कितना है 3 है प्लस डी का वैल्यू कितना, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू गिवन है 54 माइनस 1 डी कितना है 12 प्लस 132 ए एन, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस वाले फॉर्मूला हम इसके जगह पर लिखेंगे तो आ जाएगा ए एन के जगह पर हम क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखेंगे, ओके अब इसको हम सॉल्व करते हैं ठीक है, ये 3 प्लस 53 आ गया तो ये 53 इंटू कितना 12, इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, देन 132 यहां पर क्या है ये प्लस, तो ए का वैल्यू कितना है 3 तो हम यहां पर 3 रख देते हैं, डी का वैल्यू क्या है ये आ गया एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है 12 तो 12 रख देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देखो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है कैंसिल कर देते हैं, ओके तो क्या बचा n माइनस 1 12 इक्वल टू, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है तो 12 3 जा 36 का 6 3 का 8 12 5 जा 63 तो ये आ गया 63 प्लस 132, ओके अब 12 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा तो n माइनस 1 इक्वल टू प्लस करना 6 2 8 3 3 6 6 1 7 डिवाइड बाय 12, ओके एन माइनस 1 इक्वल टू, अब 12 से डिवाइड करना है कितना टाइम डिवाइड होगा 12 का टेबल, 12 का टेबल 72 में जाएगा 6 टाइम, ओके देन 4 कितना आ जाएगा 4 यानी 64 टाइम डिवाइड होगा तो आ गया 64, 1 को ट्रांसफर करेंगे प्लस हो जाएगा तो n का वैल्यू कितना आया 64 प्लस 1 65, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 65 आएगा, दैट मींस ये जो अगर हम 54th टर्म में 132 प्लस कर दे तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 65 होगा।